गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. ओके, वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पोर्शन, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर स्टडी ऑफ दिस पीरियड. दे स्टिल rely on coins, inscription, architecture and textual records for information, but there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. Okay, so what happened? Hum kis टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं? 700 से लेके 715 के बीच के टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं. इसमें क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंस था वो अभी भी कंटिन्यूटी में था. वो लोग किस चीज़ पे डिपेंड करते थे? कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे, है ना. और उसके बाद क्या हुआ कि इस पीरियड में कुछ कंटिन्यूटी थी और कुछ डिसकंटिन्यूटी थी. डिसकंटिन्यूटी किस फॉर्म में थी कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे वो अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी जो भी थी वो डिस्प्लेस हो गई. और ये वो टाइम था जब पेपर जो है चीपर था, इजीली अवेलेबल था. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ पेपर, कंपेयर द फॉलोइंग. इन द मिडल ऑफ 13th century अ स्कॉलर वॉन्टेड टू कॉपी अ बुक. 13th century के मिडल में एक स्कॉलर क्या चाहता था? एक बुक को कॉपी करना चाहता था. बट ही डिड नॉट हैड इनफ पेपर, लेकिन उसके पास सफिशेंट पेपर नहीं था. ही वॉज हिज शो सो ही वॉश्ड द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वॉन्ट, ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट. और फिर एक मैन्युस्क्रिप्ट को उसने जो राइटिंग थी लिखी हुई उसको मिटाया, वॉश किया, धुला उसे, फिर सुखाया और फिर उस पेपर को यूज़ किया. अ सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी बाद फिर क्या हुआ? इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी टू हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर. एक सेंचुरी के बाद अगर हम कोई फूड खरीदते हैं मार्केट से और अगर शॉपकीपर उसे पेपर में रैप कर देता है तो हम अपने आप को लकी समझेंगे कि वो पेपर पे रैप करके दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब पेपर बहुत हार्डली अवेलेबल था, फिर एक टाइम हुआ कि बहुत इजीली अवेलेबल हो गया और बहुत ही गुड क्वांटिटी में अवेलेबल हो गया. बट आफ्टर अ सेंचुरी एक टाइम आएगा जब पेड़ नहीं होंगे तो वो पेपर कहाँ से बनेंगे, और पेपर नहीं होंगे तो वो हम यूज़ कैसे करेंगे, है ना. व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल? इन 13th or the 14th century. सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saint, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. ये paper किस लिए use किया जाने लगा? Letters लिखने के लिए, holy texts लिखने के लिए. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, मॉन्टेंसरीज एंड टेम्पल्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो कौन ले लेता था? वेल्दी पीपल ले लेते थे, रूलर ले लेते थे, टेम्पल्स में ले लिए जाते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. वट इज़ आर्चीव? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. टूडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स and transactions. Okay, so these manuscripts and documents provided a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये बहुत सारी information देते तो थे manuscripts, लेकिन इसको use कर पाना बहुत ही difficult होता था due to some language and different kind of writing. There was no printing press in those days, so scribe कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड. और पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे तो जो भी कॉपी करना होता था वो बाय हैंड किया जाता था. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इट इज दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. और कभी अगर आप
आपने अपने फ्रेंड की कॉपी से अपना होमवर्क कॉपी किया होगा तो पता होगा कि कॉपी करना इतना सिंपल काम नहीं है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कभी क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन, और फिर क्या होता है कि चैलेंज होता है माइंड में कि उसको गेस करना है कि क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट देर आर सम स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, और रिजल्ट क्या होता है कि उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है तुम्हारे फ्रेंड की कॉपी और तुम्हारे कॉपी में। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर, और क्या होता है कि जो ऐसे कॉपी किए जाते हैं उसमें भी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि कोई शब्द यहाँ का वहाँ हो गया, इस सेंटेंस यहाँ का वहाँ हो गया। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटिट्यूएंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और ये क्या होता था कि ये कॉपी जो है चलता रहता था और कभी क्या हो जाता था कि वो टेक्स्ट जो है एकदम ही डिफरेंट हो जाता था जो ओरिजिनल है उससे। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि हार्डली हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है ऑफ द ऑथर टुडे, उस टाइम के ऑथर्स की आज के टाइम पे। We are totally dependent upon the copies made by letter scribes, और हम totally किस पर depend करते हैं जो बाद में उनको copy किया गया है। As a result, historians have to read different manuscripts version of same text to get what the author had originally written, और इसका result क्या होता है कि historians को different manuscripts पढ़नी होती हैं, different versions पढ़ने होते हैं ताकि वो ये guess कर सके कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिक्स एट डिफरेंट टाइम्स, और कभी कभी ऑथर्स जो होते थे अपने क्रॉनिकल्स को डिफरेंट टाइम पे रिवाइज करते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियादीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. और क्या होता है कि 1356 में जियाउद्दीन बरानी जो हैं उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा और वो दो वर्जन लिखे, एक वर्जन उन्होंने लिखा था 1356 में और एक उसके 2 साल बाद। तो ऑथर्स जो हैं वो सेकंड वाले पे रिले करते थे, दोनों एक दूसरे से डिफ़र थे, बट उन्हें फर्स्ट के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें 1960 में जाकर के फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता चला कि कुछ ऐसा भी क्रॉनिकल कुछ ऐसा है, और क्योंकि वो बड़े से लाइब्रेरी में रखा हुआ था और वहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी ने देखा नहीं, तो वो ऑलमोस्ट गुम हो गया था वहाँ पे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड। हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस पीरियड की स्टडी करी जा सके, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत हुआ था। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, और इस फेज में डिफरेंट मोमेंट्स पे नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आते रहे, लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन। जैसे कि एक एग्जांपल है कि वो पर्शियन व्हील यूज़ किया जाने लगा इरिगेशन में, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायंस इन कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड बिवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट देयर आइडियाज विद देम एज वेल। As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural change
यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 and 7। तो क्या हुआ कि जैसे कि ये व्हील जो है ये एक चेंज था, फिर स्पिनिंग व्हील इन वीविंग बुनाई में स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाने लगा, फायर आर्म यूज़ किए जाने लगे कॉम्बैट्स में, न्यू फूड आया, न्यू बिवरेजेस आए, और ये सारी चीज़ें फूड और बिवरेजेस कौन से नए आए, पोटैटोज कॉर्न चिली टी एंड कॉफ़ी, है ना। और ये कैसे आए, ऐसे अपने से तो चल के नहीं आए होंगे ना, तो लोग बाहर से आते थे, उनके साथ उनके आइडियाज़ भी आते थे, वो यहाँ आते थे तो कुछ ना कुछ तो अपना जीवन जीने के लिए करते रहे होंगे, और वो आइडियाज़ को यूज़ करते होंगे, उनके साथ ही वो आइडियाज़ नया कल्चर सब कुछ आने लगा, है ना। तो इस पीरियड में 700 to 750 के पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारा चेंज हुआ। चेंज किस कॉन्ट्रास्ट में था, इकोनॉमिकल चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, कल्चरल चेंज हुआ। इस चेंज के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे 5, 5th, 6th and 7th चैप्टर में, ओके। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये पीरियड था जब एक जगह से दूसरे जगह लोग ज़्यादा संख्या में जाने लगे, ग्रुप्स जो होते थे लोगों के वो लंबा सफ़र तय करते थे अवसरों के तलाश में। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। और लोगों के पास बहुत वेल्थ थी, वो नई पॉसिबिलिटीज खोज रहे थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। इस पीरियड में एक ग्रुप था पीपल का जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो कौन था या इम्पॉर्टेंट बना, वो राजपूत थे। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, ये नाम कहाँ से डिराइव किया गया, राजपुत्रा से। राजपुत्रा का मतलब क्या होता है, द सन ऑफ रूलर, राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर। और 8th से 14th century के बीच में ये टर्म जो राजपूत है ये जनरली किसके लिए यूज़ किया जाने लगा, वॉरियर्स के लिए, योद्धाओं के लिए, हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो अपना कास्ट स्टेटस क्षत्रिय बताते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चीफटेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हुआ कि ये टर्म सिर्फ राजपूत, सिर्फ वॉरियर्स के लिए ही, योद्धाओं के लिए ही नहीं यूज़ होता था, ये कमांडर्स के लिए यूज़ किया जाने लगा, आर्मीज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। ना अ चिवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट बन गया। एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, एक्सट्रीम वैलर बहुत ज़्यादा बहादुरी और बहुत ज़्यादा ईमानदार। वेयर द क्वालिटीज़ एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाई देयर पोएट्स एंड बार्ड्स, पोएट्स ने उनके अंदर मतलब जब भी अपनी पोएम्स लिखते या कुछ भी राजपूत के बारे में लिखते तो उसमें क्या मेंशन करते कि वो एक्सट्रीमली ब्रेव होते हैं, एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं, ओके। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, होम्स एंड कायस, कास्ट स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। और राजपूत के अलावा मराठा, सिख, जाट, होम्स और कायस्थ ने भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, ओके। थ्रू आउट दिस पीरियड देर वॉज ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरिया दैन इन अदर्स। और इस टाइम पे क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, फॉरेस्ट को काट के अपने एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करने लगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाने लगे। और ये चेंज जो था वो बहुत ही तेज़ था और कई एरिया में ऑलमोस्ट कम्प्लीट होता था, कहीं में इनकम्प्लीट था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट।
और रहने के हैबिटेट मीन्स रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको अपनी जगह से जाना पड़ा छोड़ के, क्योंकि जो चेंज आ गए थे उनके हैबिटेट में। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, और कुछ लोग जो हैं अपनी खेतों की जुताई करने लगे और पीजेंट्स बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चीफटेंस, प्रीस्ट, मॉन्टेसरीज एंड टेम्पल्स। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड। अब क्या हुआ कि ये पीजेंट्स जो हैं अब इनको लोग यूज़ करने लगे। अब इनको क्या होता था, टैक्स गुड्स देने होते थे, टैक्सेस देने होते थे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट। सम पजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो कैप्ट कैटल एंड सम कम्बाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। अब क्या हुआ कि पीजेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती थी उसमें बहुत डिफरेंस आने लगा। कुछ के पास बहुत ही अच्छी खेत होता था जिसमें अच्छी क्रॉप उगे, कुछ के पास होता था कि वो उसके साथ में कुछ और आर्टिस्टिक वर्क करने लगे, कुछ कैटल्स को भी रखने लगे। तो इसके वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में डिफरेंस आने लगा। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। और जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिकल डिफरेंस बढ़ने लगा, लोगों ने अपने मतलब अपने आसपास रहने वाले लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया, जिसको जातीज कहने लगे, फिर उसको सब कास्ट में डिवाइड कर दिया एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। और किस हिसाब से उनको रैंक कर दिया गया, उनके बेसिस ऑफ बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड होता था उसके ऊपर या जो काम करते थे उसके ऊपर। बैकग्राउंड हियर रेफर्स कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती थी। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, उनके रैंक्स जो होते परमानेंटली फिक्स नहीं होते थे। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और ये जो रैंक होता था ये इन्फ्लुएंस होता था या ये डिफरेंट होता था एरिया टू एरिया। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता था कि कितने रिसोर्सेज हैं उनके कंट्रोल में। जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और हर जाति ने अपने अलग ही रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम कर लिए टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ताकि वो अपने मेंबर्स के कार्यों को निर्धारित कर सकें। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज जाति पंचायत, और कुछ एरियाज में इसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। और ये असेंबली के एल्डर मेंबर्स होते थे और ये डिसाइड करते थे रूल्स एंड रेगुलेशन। बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, और जातीज को अपने गांव के भी रूल्स फॉलो करने होते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफटेन, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। और कुछ विलेजेस जो होते थे वो चीफटेन के द्वारा रेगुलेट किए जाते थे, गवर्न किए जाते थे, और वो सारे एक साथ मिलकर के एक यूनिट होते थे स्टेट का। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। असंस्कृत प्रष्टी चैप्टर टू फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रहस्ती प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत, गियासुद्दीन बलबन एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट एंड गजना इन अफगानिस्तान इन वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गोडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एन एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। एट द सेम टाइम
They tried to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. अब क्या हुआ कि एक रूलर थे जिनका नाम था सुल्तान गियासुद्दीन बलबन. इनका एक्सटेंट जो था वो बंगाल से लेकर के गजनी तक था, जो कि अफ़गानिस्तान में है, और वो वेस्ट का सारा पार्ट इंक्लूड करता था, साउथ इंडिया का पार्ट इंक्लूड करता था, पीपल डिफरेंट रीजन्स जैसे कि गोडा आंध्रा सब उनके अंडर आते थे. ओके लैंग्वेज एंड रीजन. In 1318, the poet Amir Khusru noted that there was a different language in every region of land, of this land. 1318 में poet Amir Khusru ने बताया या लिखा, उन्होंने लिखा कि इस ज़मीन पे हर रीजन में एक अलग लैंग्वेज है. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवार, समुद्री इन साउथ कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, माबरी इन तमिल, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदावी इन एरिया अराउंड दिल्ली. ओके आमिर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर आर संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन. और इन लैंग्वेजेस के अलावा संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी. इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट. और ये एक पुरानी भाषा थी और कॉमन लोग जो हैं इसे नहीं जानते थे. ओनली इफ़ ब्राह्मण्स डू, ओनली द ब्राह्मण्स डू, सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी. मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज मैंशनड बाय आमिर खुसरो. प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टूडे इन रीजन्स ही मैंशनड. Underline names that are similar and circle those are different. So this is an activity you have to do. You have to write down the name of the languages he has mentioned, and you have to write down on the another side, you have to write down the name which exists today, and you will have to circle which are the same and you have to underline which are the different. Okay. Do you notice that the names by which languages are known have changed over time? क्या आपने notice किया? Yes, we have noticed each and everything changed according to the time. By 700, many regions already possess this distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughal were able to build an empire that was pan-regional, spinning or successful. Compare for example table 1 chapter 3 and 4. What was duration of rule of the Khalji and Mughal dynasty? So we know that with the passing of time many rulers came, they ruled, but they did not existed for a very long time. Okay. When the Mughal Empire declined in the 18th century, 18th century में जब Mughal Empire declined किया, जब उसका पतन हुआ, it led to the re-emerge of regional state. और फिर क्या हुआ कि regional states re-emerge होने लगे, मतलब दोबारा से वो regional states अलग अलग होने लगे. But years of imperial pan-regional rule had altered the characters of the regions. और years of imperial pan-rule की वजह से क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स थे उस रीजन के वो बदलते गए. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द
सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड दैट रूल्ड ओवर दैम दिस वॉज एपरेंट इन एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द रिलीन्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इलाइट कल्चर एंड लैंग्वेज थ्रू द थाउजेंड्स ईयर्स सेवन between 700 and 1715 the characters of different regions did not grow in isolation these regions felt the impact of larger pan regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness ab kya hota hai ki kyunki wo bahut zyada area cover karte the aur pure us area ko wo apna state declare kar dete the जिससे क्या होता था कि सारे आपस में मर्ज हो जाते थे बट बहुत सारा कल्चरल चेंज आता था बट जो अपना डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता था उसको वो मेंटेन करते थे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स द थाउजेंड ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस थाउजेंड ईयर की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि रिलीजन ट्रेडिशन में बहुत सारा चेंज आया है पीपल्स बिलीव इन डिवाइन वॉज समथिंग डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव कलेक्टिव बिलीफ इज अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी As the social world of these group altered, so too did their beliefs. क्या होता था कि religional belief क्या था कि लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था भगवान में ईश्वर में है ना और ये विश्वास जो होता था कलेक्टिव होता था वो सुपर नेचुरल एजेंसी बन जाता था जिसको रिलीजन कहा जाता था और ये ज़्यादातर किससे सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स एल्टर्ड सो टू दिस बिलीव और क्या होता था कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती थी उसकी एक अपनी एजेंसी सुपर नेचुरल एजेंसी होती थी अपना रिलीजन होता था और वो भी अल्टर होता था किससे सोशल वर्ल्ड से इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुस्तान हिंदुइज्म टुडे और ये इम्पॉर्टेंट पीरियड था जबकि बहुत सारे चेंज आए हिंदुइज्म में जिसको हम आज जानते हैं दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी अब क्या वो ये पीरियड था जब लोगों के वर्शिप के तरीके में चेंज आया न्यू गॉड्स को वर्शिप करने लगे और क्या उन्हें कंस्ट्रक्शन होने लगे टेम्पल्स के विद द रॉयल्टीज़ रॉयल्टी कलेक्ट करके और टेम्पल्स बिल्ड किए जाने लगे और इसकी वजह से ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया और ये एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए सोसाइटी के देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉस्ट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी उनकी संस्कृत की नॉलेज जो होती थी वो ब्राह्मण्स को एक बहुत ढेर सारी रिस्पेक्ट देती थी सोसाइटी में देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कॉन्सोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैटर्न्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रीस्टेज पैटर्न हियर वॉट इट इज मीन एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन एन आर्टी अ क्राफ्ट पर्सन अ लर्नेड मैन और अ नोबल तो क्या होता था कि जो डोमिनेंट पोजिशन पर लोग होते थे वो प्रीस्ट को सपोर्ट करते थे और उनके वजह से उनकी पोजिशन जो है सोसाइटी में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest or elaborate ritual. You will be learning about this and other tradition in chapter 8. और एक और important development हुआ इस period में वो क्या था Idea था किस चीज़ का भक्ति का जिसमें कि
ऑफ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट मीन्स, यहाँ पे क्या था कि एक आइडिया था कि यू कैन लव योर डाइटी विदाउट द सपोर्ट और हेल्प ऑफ प्रीस्ट एंड यू विल रीच टू योर डिवोटीज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन एंड प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. See the video properly. Good morning, students.